हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किलबिल फाउंडेशन 2.0। फ्रेंड्स, हाल ही में एक गाना आया है एंड इसको एक्चुअली श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान ने मिलके गाया है। मेरे ख्याल से उन दोनों का मतलब साथ में बहुत कम ही गाना, मुझे तो एक भी याद नहीं आ रहा है पहले कभी उन्होंने साथ में गाया है कि नहीं। एंड ये है सलीम सुलेमान का एंड गाने का नाम है छेला। एंड मैंने सुना है कि काफी अच्छा है, मतलब गाना बहुत अच्छा है एंड दो लेजेंड साथ में गाएंगे तो फिर तो मजा आ गई आएगा ही सुनने में। तो हमने सोचा कि आपके साथ ये सुने एंड इस पे अपना रिएक्शन दे। तो आइए फ्रेंड्स, ये देखते हैं, इस पे अपना रिएक्शन देते हैं। आइए फ्रेंड्स, भूमि 2024। कुछ तो हुआ है जब से वो मिला है, वैसा ना मिला था ना कभी मिलेगा। हाय उस पे मैं तो मर गई, कैसे मैं बताऊं उस पे मैं तो मर गई। आहा, ये खुशफहमियां सही नहीं, वो तो मेरा है तेरा नहीं, लगता है तुमको मालूम ही नहीं है। छेला वो मेरा छेला, रोम रोम में है फैला, कैसे कर गया मुझको पागल। छेला वो मेरा छेला, इश्क जैसे मेरा मजा आ गया सच में। मतलब ऐसे ऐसे मतलब आइकॉन है दोनों। आपको सुनिधि उनसे सीनियर है श्रेया से, बट भगवान मतलब दोनों के अलग ही वॉइस है, अलग ही चार्म है। श्रेया का इतना सूदिंग एंड इतना उफ,
प्योर वॉइस लगता है सुनने में, एंड सुनिधि उनका पावरफुल वॉइस है, एंड वो भी जैसे गाती है ना इतना सुरीला, एंड इतना सारा वेरिएशंस रहता है दोनों का, मतलब हर लाइन एक एक ही लाइन वो इतने हजार टाइप से गा सकते हैं ऐसा लगता है मुझे तो। मतलब मेरे ख्याल से लता मंगेशकर एंड आशा भोसले के डुओ के बाद ये दोनों डुओ को देख के बहुत मजा आया मुझे सच में। एक तरह से उनके बाद यही लेजेंड्स है नेक्स्ट, बहुत मजा आया सच में। एंड दोनों एक लड़के के लिए लड़ रहे थे उस गाने में, एंड बेस्ट पार्ट एक और लगा मुझे जहाँ पे वो छोटा सा एक रैप किए दोनों, बहुत मजा आया सच में। मतलब रैप भी इतना सुरीला हो सकता है ऐसा लगा मजा आया फ्रेंड्स। आप बताइएगा आपको दोनों पसंद है, दोनों में से कोई एक ज्यादा पसंद है, एंड ये गाना कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया सुनने में, इतना अच्छा ग्रूवी नंबर था एक्चुअली, मजा आया देख के। चलिए फ्रेंड्स आप अपना कमेंट्स में बताइएगा आपको हमने जो पूछा है वो कैसा लगा, एंड अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।